एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनते ही महाराष्ट्र का सियासी भूचाल तो थम गया, लेकिन शिवसेना की लड़ाई जारी है। एक तरफ शिंदे गुट है तो दूसरी तरफ उद्धव गुट, दोनों खुद को असली शिवसेना बता रहे हैं। उधर उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में मीडिया से कहा कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है, रातों रात खेल हुआ है। इधर जमीन घोटाले के मामले में सांसद संजय राउत ईडी के सामने पेश हुए तो वहीं मुंबई में झमाझम बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सड़कें लबालब हैं, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर विवेक पंसालकर ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना का सीएम मानने से साफ इनकार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भाजपा पहले ये सब कर लेती तो राज्य में महाविकास अघाड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो कुछ भी हुआ वो सम्मान पूर्वक भी हो सकता था। उद्धव ने कहा, मैंने अमित शाह से पहले ही कह दिया था, हम भाजपा शिवसेना के गठबंधन में 2.5 साल के लिए शिवसेना का मुख्यमंत्री चाहते हैं, लेकिन उस वक्त हमारी ये बात नहीं मानी गई। उद्धव ने मेट्रो शेड प्रोजेक्ट की जगह बदलने को लेकर कहा कि मेरा गुस्सा मुंबई के लोगों पर ना निकाला जाए, मेट्रो शेड का प्रपोजल ना बदले। उधर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री रही यशोमती ठाकुर ने सरकारी बंगला छोड़ दिया। 2.5 वर्षापूर्वी शब्द जारी मोडला आणि अशा पद्धतीने पाटीत वार करून पुन्हा एकदा शिवसैनिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री, हा तसा शिवसेनेचा मुख्यमंत्री नाही, कारण शिवसेनेला बाजूला ठेवून शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होऊ शकत नाही। हा एक पहिला महत्त्वाचा मुद्दा आहे। त्याच्यानंतर या म्हणजे कदाचित आज पहिल्या प्रथम तुम्हाला माझा चेहरा पडलेला दिसत असेल, कारण मला आज खरंच दुःख झालेलं आहे एका गोष्टीचं। माझ्यावरती राग आहे ना, माझ्यावरती राग काढा, माझ्या पाठीत वाद करा, पण मुंबईच्या काळजात कट्यार घुसवू नका, माझा राग मुंबईवरती काढू नका। आरेचा निर्णय त्यांनी जो बदलला त्याने मला खरंच दुःख झालेलं आहे। हा काही कोणाचा खाजगी प्लॉट नाही आहे, तिकडे कोणाही बिल्डरला आपण तो आंदण देत नाही आहोत। तिथे जे काही पर्यावरणासाठी आवश्यक असलेले जंगल आणि वनराई होती, जी एका रात्रीत रात्रीचं खेळ चालले, आता त्यांचं ब्रीदवाक्य आहे, एका रात्रीत झाडांची कत्तल झाली। एक जमीन के मामले में सांसद संजय राउत ईडी के सामने पेश हुए। राउत ने ईडी ऑफिस जाने से पहले कहा कि मैं निडर व्यक्ति हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी कुछ गलत नहीं किया है, ये सब राजनीतिक है, इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि मैं एक न्यूट्रल एजेंसी में जा रहा हूं और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मुंबई में भारी बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर की कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं, तो वहीं ट्रेन और बस सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। सड़कों पर भरे पानी से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिसके कारण बीएमसी ने अंधेरी मेट्रो को यातायात के लिए बंद कर दिया है। बारिश में लोगों को घुटने भर पानी से निकलना पड़ रहा है, तो वहीं कई वाहन चींटियों जैसे चलते दिखे। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश से कालबा देवी और सायन इलाके में 2 इमारतें भी गिर गई हैं। इस हादसे में अब तक कोई हताहत नहीं हुआ है और फंसे हुए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी विवेक फंसालकर को मुंबई पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया। उन्होंने अपना कार्यभार लिया है। पंसालकर ने संजय पांडे की जगह ली है, जो अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं।